सो हाय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एक और न्यू फोटो एडिटिंग वीडियो में। तो फ्रेंड, आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग करने वाले हैं जो कि इंस्टाग्राम प्रोफाइल पिक्चर कॉन्सेप्ट के ऊपर है। तो फ्रेंड, इस टाइप का फोटो एडिटिंग करने के लिए आपको इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना होगा बिना किसी स्किप के। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, यूजर नेम RSP Editing। चलिए फिर बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप इस बैकग्राउंड को पिक्सार्ट एप्लीकेशन में ओपन कर लीजिए। उसके बाद टूल वाले ऑप्शन में जाइए और यहाँ से इस बैकग्राउंड को रिसाइज कर लेंगे। चलिए रिसाइज करते हैं। रिसाइज हो जाने के बाद यहाँ से हम जाएंगे ऐड फोटो में और यहाँ से हम अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पिक्चर का स्क्रीन शॉट ऐड करेंगे। चलिए ऐड करते हैं। उसके बाद क्रॉप वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से हम इसको कुछ इस प्रकार से क्रॉप करेंगे। क्रॉप हो जाने के बाद हम इसको कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे। उसके बाद ब्लेंड मोड में जाएंगे और यहाँ से मल्टीपल कर देंगे। इतना हो जाने के बाद यहाँ से हम जाएंगे टूल वाले ऑप्शन में एडजस्ट और यहाँ से हम थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाएंगे, थोड़ा हम कॉन्ट्रास्ट को माइनस की साइड रखेंगे, सैचुरेशन थोड़ा बढ़ाएंगे, हाईलाइट को थोड़ा कम करेंगे, शैडो को थोड़ा हम ज़्यादा करेंगे। उसके बाद फिर से ऐड फोटो में जाएंगे और यहाँ से अपने मॉडल को ऐड करेंगे और इसको हम कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे। इसका बैकग्राउंड हमने पहले से ही इरेज करके रखा है, अगर आपको वीडियो देखना है तो ऊपर में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद शैडो वाले ऑप्शन में जाएंगे और शैडो क्रिएट करेंगे। उसके बाद फिर एक शैडो PNG को ऐड करेंगे। इसको हम कुछ साइड के नीचे कुछ इस प्रकार से लगाएंगे। फिर लेयर वाले ऑप्शन में जाएंगे, इसको हम मूव डाउन करेंगे, इसका डुप्लीकेट बनाएंगे और इसको मूव डाउन करेंगे। इतना हो जाने के बाद यहाँ से हम सही करेंगे। उसके बाद बॉर्डर वाले ऑप्शन में जाएंगे, बॉर्डर बनाएंगे। उसके बाद लेयर वाले ऑप्शन में, ड्रॉ वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से अपने फ़ोटो को सेव कर लेंगे। इतना हो जाने के बाद हम इस फोटो को स्नैपसीड एप्लीकेशन में ओपन करेंगे। तो चलिए हम इस फोटो को स्नैपसीड एप्लीकेशन में ओपन करते हैं। तो फ्रेंड, मैंने इस फोटो को स्नैपसीड एप्लीकेशन में ओपन कर लिया हूँ। ओपन हो जाने के बाद यहाँ से हम जाएंगे पेंसिल वाले ऑप्शन में और यहाँ से टून इमेज पे और इस फोटो को हम थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाएंगे, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा माइनस के साइड रखेंगे, सैचुरेशन थोड़ा बढ़ाएंगे, हाईलाइट को थोड़ा कम करेंगे, शैडो को थोड़ा कम बढ़ा देंगे और इसको भी थोड़ा माइनस के साइड रखेंगे। इतना हो जाने के बाद फिर से वाइट बैलेंस, उसके बाद इसको माइनस के साइड रखेंगे और इसको प्लस के साइड रखेंगे। तो फ्रेंड देखिए, हमारा फोटो बनकर तैयार हो चुका है।